हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पनीर चिल्ली ड्राई रेस्टोरेंट स्टाइल बनाकर दिखाने जा रही हूँ। और यह एक इंडो चाइनीज डिश है और आप इसे आसानी से घर में बना सकते हैं। और यह डिश बच्चे बड़ों दोनों को ही काफी पसंद आती है और आप इसे स्टार्टर और एज अ साइड डिश बना सकते हैं। और अगर आपको मेरी पनीर चिल्ली की रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए पनीर चिल्ली ड्राई बनाना स्टार्ट। पनीर चिल्ली बनाने के लिए हमें चाहिए पनीर 200 ग्राम, जिसे मैंने बड़े टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं। दो मीडियम साइज प्याज बड़े टुकड़ों में कटे हुए, शिमला मिर्च एक बड़ा बड़े टुकड़ों में कटा हुआ, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, पानी पनीर का बैटर बनाने के लिए, ऑयल पनीर को फ्राई करने के लिए, 3 पीस हरी मिर्च लंबे टुकड़ों में कटी हुई, कद्दूकस किया हुआ अदरक 1 टेबल स्पून, 8 से 10 पीस लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, स्प्रिंग अनियन 1 छोटी कटोरी, सॉस में हमें चाहिए टोमेटो केचप 2 टेबल स्पून, ग्रीन चिल्ली सॉस 1/2 टेबल स्पून, विनेगर 1/2 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कस्तूरी लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, मैदा या ऑल पर्पस फ्लोर 2 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून, नमक स्वादानुसार, चीनी 1/4 टेबल स्पून। अब हम एक बर्तन लेंगे, इसमें 2 टेबलस्पून मैदा डालेंगे, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालें, 1/4 टेबलस्पून नमक या स्वादानुसार, काली मिर्च पाउडर 1/4 टेबलस्पून, कस्तूरी लाल मिर्च 1/4 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब इसे हम एक फोर्क के हेल्प से पहले सूखा अच्छी तरह मिक्स कर ले और फिर धीरे। अब इसमें थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। बैटर बनकर तैयार है, अब हम इसमें पनीर डालेंगे। पनीर को अच्छी तरह बैटर में मिक्स करें ताकि पनीर के ऊपर बैटर का एक लेयर कोट हो जाए। मैंने यहाँ पे मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पनीर के ऊपर एक थिक लेयर कोट हो तो आप इसके लिए थिक कंसिस्टेंसी का भी बैटर बना सकते हैं 1 टेबल स्पून एक्स्ट्रा मैदा ऐड करके। पनीर को बैटर में मैंने अच्छे से कोट कर लिया है और इसे मैं ढककर 10 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि पनीर में मसालों का स्वाद अच्छे से आ जाए। गैस ऑन करके एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, कढ़ाई को गर्म होने दें। अब इसमें हम 4 टेबलस्पून के लगभग ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें पनीर को शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। पनीर को एक एक करके ऑयल में डालें। एक बार में आप ज्यादा पनीर ना डालें। पनीर को हम मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। पनीर एक तरफ से फ्राई हो चुका है, अब हम इसे पलट लेंगे। पनीर फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे प्लेट पे टिश्यू पेपर डालकर इसे निकाल लेंगे। बाकी बचे हुए पनीर को भी आप इसी तरह फ्राई कर लें। पनीर फ्राई होकर तैयार है। गैस ऑन करेंगे और मैंने उसी कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल रहने दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ लहसुन, हरा मिर्च डालेंगे। लहसुन अदरक मिर्च को हमें आधा मिनट भूनना है। अब हम इसमें कटा हुआ शिमला मिर्च और प्याज डालेंगे।
फ्लेम को आप हाई रखें शिमला मिर्च और प्याज भूनते वक्त, क्योंकि चाइनीज डिश में हमें फ्लेम को हमेशा हाई रखना चाहिए, क्योंकि सब्जियों को हमें पकाना नहीं है ज्यादा, हमें अपने सब्जियों को सॉटे करना है और इसे क्रंची बनाए रखना है। शिमला मिर्च और प्याज को हम 1 से 2 मिनट भूनेंगे। सब्जियां फ्राई हो चुकी है, आप देख सकते हैं प्याज ट्रांसलूसेंट हो चुका है। अब हम इसमें सॉस ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून टमाटो केचप डालेंगे, 1/2 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टीस्पून सोया सॉस, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, कस्तूरी लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, ध्यान रहे कि सॉस में भी नमक रहता है इसलिए हम नमक यहाँ कम डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। सॉस को 1 मिनट तक हमें सब्जियों के साथ फ्राई करना है। सॉस फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम 1/2 टेबलस्पून विनेगर ऐड कर देंगे। विनेगर हमेशा लास्ट में ऐड करें और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। चीनी 1/4 टेबलस्पून पेस्ट बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हमने इसमें सॉस डाले हैं तो चीनी डालने से हमारा पनीर चिल्ली का टेस्ट बैलेंस होगा। अब हम इसमें फ्राई किए हुए पनीर को डाल देंगे। फ्राई किया हुआ पनीर को हमने डाल दिया है और इसे आप अच्छी तरह से सॉस के साथ मिक्स कर लें। आप चाहें तो इसे टॉस भी कर सकते हैं इस तरह। फ्राइड पनीर को हमें सॉस के साथ 1 मिनट मिक्स करना है। पनीर चिल्ली अब रेडी है, गैस ऑफ कर दें। अब हम इसमें बारीक कटी हुई स्प्रिंग अनियन डालेंगे। पनीर चिल्ली ड्राई बनकर बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं बहुत ही स्वादिष्ट पनीर चिल्ली रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर चिल्ली बनी है और आप इसे जरूर अपने घर में बनाकर ट्राई करें। अब हम इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमने सर्विंग बोल में पनीर चिल्ली निकाल लिया है, ये बिल्कुल तैयार। पनीर चिल्ली ड्राई को आप सेजवान फ्राइड राइस या नूडल्स के साथ सर्व कर सकते हैं।